हाय दोस्तों, कैसे हैं? आपके मेरे चैनल पे फिर स्वागत है। आज हम बताएंगे कि आपने पिछले क्लास में मेरे देखा था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं और हैंड राइटिंग इफेक्ट, अगर आपको हैंड राइटिंग इफेक्ट देना है तो कैसे देते हैं। अगर आपने देखा है तो चैनल को जाकर देख लीजिए। और हाँ, आज की डेट में अगर आपको अच्छे से पढ़ाना है तो PPT बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कोई देखने वाला नहीं। बच्चा 3 घंटा मूवी देखता है क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है। अगर आप एक टीचर हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं और आप अच्छा से PPT बनाना चाहते हैं, या आप एक कोई स्टूडेंट हैं, रिसर्चर हैं और एक अच्छा सा PPT बनाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर कोई पावर पॉइंट बहुत अच्छा लगने वाला बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। थोड़ा आराम से देखिए और अंत तक देखिएगा। जैसे कि मैं एक PPT बनाना चाहता हूँ और मेरे पास एक बुक है और मैं बुक से अपना PPT बनाना चाहता हूँ, तो कैसे करते हैं? इन जनरली जैसे कि हमको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी बताना है हमको, तो मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से हमको, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक है, वो क्या करेंगे, ऐसे ये लिए और इसको कॉपी किए और PPT में जाके पेस्ट कर दिए और कुछ इस तरीके से वो छोड़ देते हैं। और जब क्लास लेना होता है और ऐसे कुछ सेटिंग कर ही लेते हैं वो लोग, आप भी देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग करना ही पड़ता है। कुछ इस तरीके से वो सेटिंग दे करके बना तो लेते हैं, आप यहाँ आप देख भी सकते हैं हमने बना लिया है। और ये ठीक है, और यहाँ से ये थर्ड नंबर करते हैं इसको, थर्ड नंबर को, और ये फोर्थ। कुछ इस तरीके से बना के इसको बोल्ड कर देंगे या फिर कलर कर देंगे। और जब प्रेजेंटेशन देना होता है तो करते क्या हैं, पूरे के पूरे स्लाइड को एक साथ दिखाते हैं। जैसे कि अगर अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जाऊं तो ये क्या होगा, सारा का सारा एक साथ आ जाएगा। तो इसमें होगा क्या, आप सिंपली सबको एक साथ दिखा दिए, बच्चा क्या करेगा, पढ़ना शुरू कर देगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करेगा, वो आपकी बातों को सुनेगा नहीं। अगर जैसे ही पढ़ लिया हो तो उसका दिमाग हट जाएगा यहाँ से, वो इंटरेस्ट लेगा ही क्यों, क्योंकि सबको तो दिया हुआ है, वो बुक से भी पढ़ सकता है। तो इसमें करना क्या हमको, हमको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। इसी में ही मैं देख सकते हैं आप, इसको मैं स्किप किया, क्लोज किया, और सबसे पहले तो कुछ सेटिंग करना था, वो आराम से आप भी कर सकते हो। इसमें लाइन स्पेसिंग का थोड़ा सा गैप वाइज करता हूँ मैं, ये हो गया, और यहाँ से कुछ अच्छा, और आप चाहे तो कुछ ऐसे ही बना सकते हो, कुछ कलर दे दो और उसमें कर दो, जो जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दो। तो यहाँ पे मैं, चलो आप इसको एनिमेशन के साथ जोड़ते हैं, आप एनिमेशन इफेक्ट जो है यहाँ पे पहले से कुछ दिया हुआ है, मैं इसको सबको डिलीट करता हूँ, सारे एनिमेशन को, है ना, कंट्रोल ऑल डिलीट। अभी कुछ एनिमेशन नहीं है, जैसे ही शो करोगे तो ऐसे ही आएगा। तो जैसे कि पहला स्लाइड, ये नेक्स्ट स्लाइड ऐसे ही हो जाएगा, तो बच्चा देखेगा और बहुत सा लिखा, कौन पढ़ेगा इतना सारा हेड, कौन लेगा इतना दिमाग सब में, तो करेगा क्या, वो सिंपली बोर हो जाएगा। और उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, जो लिखा हुआ है उसे क्लिक कीजिए, और यहाँ बहुत सारे एनिमेशन हैं, आप जो चाहे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ले रहा हूँ, इसमें से अब मैं गया यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में, बाई पैराग्राफ कर दिया, और एक क्या करूँगा मैं, बाई फ्रॉम लेफ्ट कर दूँगा। अगर आप अभी देखोगे तो कैसा होगा, देखिए ये कुछ ऐसे आ रहा है, एक एक पैराग्राफ वाइस आ रहा है, लेकिन वो नीचे से आ रहा है। तो इसको और अच्छे से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में ही फ्रॉम लेफ्ट कर दोगे तो एक एक पैराग्राफ ऐसे दिखेगा, कुछ इधर से आएगा, है ना, तो अच्छा लगेगा। इसको और अच्छे से करना है तो ये देखिए क्या कर सकते हैं हम इसको।
यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जो एरो के निशान है ऑल एट वंस है ना, आप यहाँ पे बाय वर्ड कर लीजिए भाई, 10% दिया है इंटरफेयर में, तो आप इसको 100% मार्क दे दीजिए। अब देखिए अब होगा क्या, जैसे आप क्लिक करोगे ये लिखना शुरू हो गया, द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी इज अस फॉलोज। फिर आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट लाइन आएगा, और आप चाहे तो कुछ वहाँ पे इंटरफेयर कुछ बोल भी सकते हैं, और आप इस तरीके से मतलब एक एक लाइन जैसे आप बोलते जाओगे और लिखाता जाएगा, तो बहुत अच्छा होता है। इससे बच्चा क्या जो आपका जो बोल रहे हैं वो भी सुनेगा, देखेगा, सुनेगा और जो लिखा रहा है उसको भी देखेगा, तो उसका दिमाग हमेशा लगा रहेगा, वो छूटेगा नहीं। इस जिसके बाद यहाँ पे आप इसको कुछ बोलना चाहें बोल लें, फिर इसे नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट एरो क्लिक करेंगे या फिर आप माउस का रोलर लीजिए थोड़ा सा रोटेट कर दे तो नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा, और जल्दी चाहिए तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक के बाद एक आप करते जाइए, और पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। इससे आप चाहें तो इसमें हैंड राइटिंग इफेक्ट डाल सकते हैं, अगर हैंड राइटिंग इफेक्ट देना है तो आप पहला वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छा होगा। और अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो भी कुछ ऐसा ही कीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा अगर स्लाइड आ गया तो बच्चा बुक पढ़ेगा भाई, तुम्हारा क्यों देखेगा, आप जाहिर सी बात है पूरा का पूरा दिखा रहे हो, बुक पढ़ लेगा वो, आराम से पढ़ेगा, वीडियो देखेगा, यूट्यूब देखेगा, सब कुछ टाइम लेगा और लेट भी लगेगी ये, तो इससे अच्छा कि वो बुक पढ़ ले। अगर आपको ये अच्छा लगा, और मेरा नेक्स्ट वाला जो है और एक और अच्छा सा आइडिया देने वाला हूँ मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो दिखा रहा है सब्सक्राइब बटन उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नेक्स्ट में बहुत अच्छा मिलेगा, इससे भी और अच्छा ट्रिक। ये तो थोड़ा सा था, थोड़े से में ही हो गया और बहुत अच्छा हो गया, आप देख भी सकते हैं, अभी बच्चा पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा उसको।